हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिका। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन होम। आज के वीडियो में मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। क्या है, हम बहुत सारे ज्वेलरी खरीदते हैं और इतने सारे ज्वेलरी एक साथ रख देते हैं, तो क्या है, हम कोई भी फंक्शन में जाना है तो तुरंत ढूंढ नहीं पाते हैं और जल्दी जल्दी में सामने जो भी मिलता है वो पहन के चले जाते हैं, नहीं तो नहीं पहनते हैं। क्या है, हम खुशी खुशी नहीं जा पाते हैं। तो आज मैं आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी कि कैसे आपके हर चीज़ आंखों के सामने रहे और आप जो भी पहनना चाहते हैं जो भी फंक्शंस के लिए, तो आप खुशी खुशी पहन के जा सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये है मेरे ज्वेलरी सेल्फ, मैं इसे आज ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। आपके अगर ऐसे सेल्फ नहीं है तो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर्स में भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसका आइडियाज़ भी मैं दूंगी आपको, तो वीडियो के एंड तक रहिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरा भी पूरा सेल्फ मेसी हो गया है, तो पहले इसे पूरा निकाल लेना है और सेल्फ को साफ कर लेना है। तो एक ट्रे ले लीजिए और यहाँ पे सब निकाल लीजिए। पहले क्या है, हम खरीदते जाते हैं और जमा करते जाते हैं, जो भी थोड़ा सा डिसकलर हो गया है तो भी हम रख देते हैं, तो इससे क्या है हमारा जगह कम हो जाती है। तो अगर ज़्यादा ऐसे हो गया है तो जो डिसकलर हो गया उसे निकाल देना अच्छा है, नहीं तो क्या है हमारा डिक्लटर हो जाता है। ऐसे पूरा खाली कर लीजिए। और साफ कर लीजिए। पूरा सेल्फ को निकाल के मैंने साफ कर लिया। अच्छे से साफ कर लिया। देखिए कितने सारे ज्वेलरीज है, कॉस्मेटिक्स। देखिए मैंने ऐसे हुक्स लगा लिए, ऐसे हुक्स यहाँ पे, ऐसे हुक्स बहुत सारे लगा लिए आपके हिसाब से। और मैं जो भी ज्वेलरी खरीदती हूँ तो ये मैं नहीं फेंकती हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऐसे लगा के रखे, ऐसे हुक्स में हैंग कर दे तो ये आसानी से दिखता है। मैं होल्ड कर लिया एक के अंदर, ऐसे दो तीन होल कर लेती हूँ, फिर ऐसे टांग देती हूँ, फिर ऐसे हंग कर देती हूँ। तो क्या है, जो हम रोज पहनने वाले हैं, रोज जो वर्किंग है ऐसे, और कोई भी रोज हम निकालते हैं तो जो पहनते हैं फ्रिक्वेंटली, वही पे अगर आप वही सामने रखेंगे तो अच्छा है। जो ज्वेलरी हम पार्टीज के लिए यूज करते हैं वो अगर अंदर में आप रखेंगे तो अच्छा है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे सब इयररिंग्स रखे हैं और इसके साथ मेरी रिस्ट बैंड है, वॉच है, ऐसे कुछ कुछ मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, जो कि एक तो आसानी से दिख पाए। और यहाँ पे जो जगह खाली है, थोड़ी सी स्पेस है, इसीलिए मैंने इस बैंगल्स को रखा है, जैसे कि मैं तुरंत देख पाऊँ और आसानी से कोई जाना हो तो पहन के जा सकते। और ऐसे मैंने बॉक्स यूज किया है छोटा सा, तो इसमें मेरी सारी बिंदी है। ऐसे आप बॉक्स यूज कर सकते हैं छोटा सा, तो बिंदी आप यहाँ पूरा रखेंगे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पे भी मैं कुछ कुछ और इयररिंग्स रखे हैं, यहाँ पे भी स्पेस है नीचे थोड़ा, देखिए यहाँ पे मैंने जो लंबा ज्यादा है दो तीन एक साथ करके रखा है, यहाँ पे भी मैंने दो एक साथ रखा है, ऐसे करके मैंने रखा है। यहाँ एक छोटा सा ट्रे में जो भी क्लिप्स है, जो भी क्लिप्स है बैक क्लिप वो रखा है। यहाँ पे मैंने जो हेवी ज्वेलरी दो तीन मैंने ऐसे रखा है, जो हेवी ज्वेलरी जो
साइज में थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स में रखा है, जैसे कि आसानी से देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे रखे हैं। यहाँ पे मेरा जो भी कुछ ऐसे रिंग्स के पीछे का वो है, जो घूम कहीं खो जाए तो दूसरा यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ऐसे छोटा सा बॉक्स में ये रखा है। और देखिए ऐसे जो सब इयररिंग्स यहाँ पे मैंने हैंग करके रखा है, जो बड़ा बड़ा है, और जो छोटा इयररिंग्स है ऐसे मैंने ऐसे बॉक्स में रखा है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक चॉकलेट का बॉक्स है, क्या है, हमें कोई गिफ्ट देते हैं और कोई हम खरीदते भी हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इसे, ना फेंक के हम फेंक ही देते हैं, ना फेंक के आप इसमें देखिए अच्छे से हर एक में मैंने छोटा छोटा देखिए हर एक में अलग अलग रखा है, तो आपको आसानी से दिख जाए, आपको आसानी से दिख जाए कि आप कौन से क्या क्या रखे हैं। तो ऐसे बॉक्स ये हार्डी होते हैं, तो नहीं फेंक के आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बॉक्स यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो आप ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर पे ऐसे बॉक्सेस के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर में रख सकते हैं। पहले मैं एक बॉक्स के अंदर सब जमा करके रखती थी ऐसे। इस टाइप का छोटा बॉक्स भी आप रख सकते हैं, देखिए ड्रेसिंग टेबल में ड्रॉयर में आसानी से रह जाएगा। इस बॉक्स में क्या है, वैरायटी टाइप का, देखिए ये बिग थोड़ा बिगर साइज है, लंबा टाइप का, आपके हिसाब से आप आसानी से रख पाएंगे। देखिए इसमें जैसे थोड़ा सा बिगर साइज इयररिंग्स आप रख सकते हैं, ये लंबा टाइप का है तो आप यहाँ पे लंबा टाइप का थोड़ा रख सकते हैं, ऐसे ऐसे लंबा टाइप का रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रिस्ट वॉच भी रखी है, दो ऐसे फोल्ड करके, जो फोल्ड करने वाला है ऐसे आप रख सकते हैं आसानी से, और ये छोटा छोटा है इसमें, इससे थोड़ी छोटी छोटी ऐसे रख सकते हैं, तो आपके आंखों के सामने ही रहेगा, और आप जो रोज पहनने वाले हैं ऐसे चीज ऐसे छोटे बॉक्स में रख सकते हैं, तो आसानी से पहन के जा सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर्स में आप ऐसे रख सकते हैं, देखिए मैंने ऐसे रखा है, ऐसे आपके सामने ही सब है, सब दिखेगा। नेक पीसेस रखे, तो एक दो तीन ऐसे करके मैंने रखा है, यहाँ पे जैसे दो रखा है, जैसे आसानी से मैं ढूंढ पाऊँ। देखो हर चीज आंखों के सामने है, जैसे दिखाई दे रहा है, मेरे तो बहुत सारी ज्वेलरी नेक पीसेस। हमारे पास क्या है, बहुत सारे नेक पीसेस होते हैं, लेकिन सब ऐसे सामने रखे तो पूरा हेफाजत रहेगा और हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो कुछ कुछ आप जैसे कि जो भी आप हमेशा पहनते हैं तो ये सामने रखिए, और बाकी आप ऐसे ड्रॉयर यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे छोटा सा ड्रॉयर है, छोटा सा बॉक्स है, ये लोकल शॉप में मिल जाता है, तो ऐसे ड्रॉयर से इसमें जैसे देखिए दो तीन करके ऐसे रखा है, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि कितना है, यहाँ पे सब सामने रहता है ऐसे, तो आंखों के सामने ही है सब, तो ऐसे हम ऐसे ड्रायर यूज कर सकते हैं। ये आप वार्डरोब में भी रख सकते हैं, जैसे कि यार ड्रेसिंग टेबल के ड्रायर में नहीं रहेगा, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप नहीं रख सकते, तो आप ऐसे वार्डरोब में साइड में रख सकते हैं। अमेजन में मिलता है हैंग करने में, इस टाइप का आप हैंग कर सकते हैं, वार्डरोब में आप हैंग कर सकते हैं। करके रखते हैं, तो इससे क्या है और भी क्लटर हो जाता है, तो हमें डिक्लटर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है कुछ कुछ चीज़ें से हमारा याद जुड़ी रहती है कि मेमोरीज है, कोई स्पेशल पर्सन ने कुछ गिफ्ट दिया है, जैसे कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फेंकना नहीं चाहते हैं,
देखिए ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी, तो ये भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो इससे आप क्या है, ऐसे कलर करके आप रीयूज कर सकते हैं। मुश्किल पड़ता है, हम सेफ्टी पिन ढूंढ नहीं पाते। तो आप अगर सेफ्टी पिन एक बॉक्स में ऐसे रखेंगे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पे सिंदूर है रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने मेकअप ऑर्गेनाइजर ऐसे यूज किया है। ऐसे ऑर्गेनाइजर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए मैंने सिंदूर रखा है और लिपस्टिक रखा है। यहाँ पे भी लिपस्टिक है, नेल पेंट रखा है, यहाँ फाउंडेशन, नेल रिमूवर है, नेल पेंट रिमूवर है। तो यह ऐसे बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें क्या है आपके सामने रह जाता है, तो ऐसे आप रख सकते हैं। और ये है मेरा मेकअप रिमूवर। और ऐसे आप, मैंने ऐसे ग्लास के एक कंटेनर यूज किया है, इसमें मेरी सारी देखिए ब्रशेस है, आई पेंसिल्स है, लाइनर है, सारी चीज़ें जैसे सामने रहता है तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। ऐसे कोई भी कंटेनर आपके घर में अगर पुराना है तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। रखा है ऐसे, जैसे कि सामने से ऐसे थोड़ा खाली करके रखना चाहिए, जैसे कि हम आसानी से ऐसे लेकर आसानी से लेकर हमें मुश्किल पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने क्रीम, ऐसे क्रीम जो भी यूज करते हैं वो रखा है। यहाँ पे देखिए मैं बैंडेज रखा है। आप बैंगल्स एक बॉक्स में भी करके रख सकते हैं, अगर आपके ऐसे सेल्फ नहीं है तो आप ऐसे बॉक्सेस में भी रख सकते हैं। आप ऐसे ड्रॉयर भी यूज कर सकते हैं। कितने सेल्फ आप ले सकते हैं, जैसे नेक पीसेस रखे थे ऐसे ड्रॉयर में आप ऐसे बैंगल्स भी रख सकते हैं। देखिए ये आसानी से आपके आँखों के सामने ही रहेगा, आप इसे तुरंत भूल पाएंगे। ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए आसानी से ऐसे खुलता है और आसानी से ऐसे लगा देंगे तो आँखों के सामने आपके रहेगा। देखिए बैंगल्स सारे आँखों के सामने रहेगा। आप इसे वार्डरोब में भी ऐसे साइड में सेट कर सकते हैं। देखिए दो होल है दो साइड में, तो आप वार्डरोब में भी ऐसे साइड में रख सकते हैं। अमेजन से आप ऐसे बॉक्सेस खरीद सकते हैं। देखिए बैंगल्स के लिए है, इस टाइप का बास्केट यूज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्मेटिक्स है, क्लींजर है, और भी ज़्यादा हम यूज करते हैं वैरायटी टाइप के, तो आप ऐसे बास्केट में ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बास्केट में भी रख सकते हैं। Thank you.
ये वीडियो आपको पसंद आए, मैं थोड़ा सा भी आपको आइडियाज दे पाए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप उसे देख पाएंगे। और आपके पास अगर इससे अच्छा भी कोई आइडिया है तो आप दे सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए, अच्छे रहिए, हैप्पी रहिए।